भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला पॉल के बोलैंड पार्क में शुक्रवार यानी 21 जनवरी को खेला जाएगा। टीम इंडिया इसी मैदान पर खेले गए पहले मुकाबले में पराजित हो चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया को दूसरा वनडे हर हाल में जीतना होगा। दूसरा मैच हारने पर टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज भी हाथ से चली जाएगी। टीम इंडिया ने पिछले दौरे पर मेजबान टीम को वनडे सीरीज में 5-1 से शिकस्त दी थी। पहले मैच में हार से आहत भारत की टीम अगर तीन वनडे मैचों के सीरीज को जीवंत बनाए रखना चाहेगी तो बल्लेबाजों को दूसरे वनडे में बेहतरीन परफॉर्मेंस करनी होगी। इस मुकाबले में केएल राहुल की कप्तानी की भी परख होगी। राहुल पहले मैच में कप्तान के रूप में नाकामयाब रहे। अब जबकि उन्हें टेस्ट कप्तानी के दावेदारों में शामिल किया जा रहा है, इस सीरीज में उनके लिए काफी कुछ दांव पर लगा होगा। भारतीय बल्लेबाजों ने भी पहले मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया था, जिससे टीम को 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। जब विराट कोहली कप्तान थे तभी से मध्यक्रम का प्रदर्शन भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, जिसका समाधान अभी तक नहीं खोजा जा सका। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अर्धशतक जमाकर अच्छी वापसी की। उन्होंने कोहली के साथ मिलकर भारत की उम्मीद जगाई, लेकिन यह साझेदारी टूटते ही धीमी पिच पर भारतीय मध्यक्रम बिखर गया। दक्षिण अफ्रीका कौशल और रणनीति दोनों मामलों में भारत से अव्वल रहा और ऐसे में राहुल ने कप्तान के रूप में निराश किया। सबसे अहम सवाल है कि अगर वेंकटेश अय्यर से गेंदबाजी नहीं करवानी थी तो वो टीम में क्या कर रहे थे। जब यजुवेंद्र चहल और शार्दुल ठाकुर पर राशि वनडे रोशन और टेम्बा बबूमा हावी होकर खेल रहे थे तब वेंकटेश का उपयोग छठे गेंदबाज के रूप में क्यों नहीं किया गया। अगर वेंकटेश नंबर 6 पर एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में खेल रहे हैं तो सूर्य कुमार यादव को अंतिम एकादश में क्यों शामिल नहीं किया गया, जो अनुभवी हैं और दबाव में बेहतर बल्लेबाजी करते हैं। एक सवाल उठता है, क्या राहुल ने चहल या रविचंद्रन अश्विन से बात की जब राशि वनडे डोरेशन और बबूमा स्वीप शॉट खेलने शुरू कर चुके थे। राहुल ने गेंदबाजी में भी ऐसे बदलाव नहीं किए जिससे लगे कि वह रणनीतिक रूप से कुशल हैं। इसके विपरीत दक्षिण अफ्रीका ने एडम मार्कम से गेंदबाजी की शुरुआत कराई और वो भारतीय कप्तान को आउट करने में सफल रहे। इसके बाद जब भारत बल्लेबाजी कर रहा था तो धवन और कोहली के आउट होने के बाद उसकी हार सुनिश्चित हो गई थी। अचानक ही जो पिच बल्लेबाजी के लिए आसान दिख रही थी वो बल्लेबाजी के लिए मुश्किल कैसे बन गई। श्रेयस अय्यर का शॉट पिच गेंदों के खिलाफ संघर्ष जारी रहा। उन्हें समझना चाहिए कि भारतीय एकादश में जगह बनाना आसान नहीं है और इस तरह से मौका नहीं गंवाया जा सकता। इस पिच पर स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी है। ऐसे में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर दोनों की भूमिका अहम होगी। पहले मैच में इन दोनों ने निराश किया है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। शार्दुल ठाकुर ने ऐसे समय में 8 शतक जमाया जबकि भारत की हार तय हो गई थी और किसी तरीके का दबाव नहीं था। उनका आकलन हालांकि गेंदबाजी से किया जाएगा जो उनका मुख्य काम है। गेंदबाजी में ठाकुर नाकामयाब रहे, उन्होंने 10 ओवर में 72 रन उठाया जिससे टीम को नुकसान हुआ। भुवनेश्वर कुमार ने भी वापसी पर निराश किया। दोनों टीमों के बीच स्पिनरों ने भी अंतर पैदा किया। अश्विन और चहल ने 20 ओवर में 106 रन दिए और एक विकेट लिया। वहीं दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मार्कम तबरेज शम्सी और केशव महाराज ने 26 ओवर किए, 126 रन दिए और 4 विकेट लिए। भारतीय स्पिनरों को अगले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करने की जरूरत है। अब दोनों मैचों में राहुल की कप्तानी पर सबकी नज़र रहेगी। सीमित ओवरों की तुलना में टेस्ट कप्तानी अधिक चुनौतीपूर्ण होती है और इन मैचों का प्रदर्शन राहुल की दावेदारी के खिलाफ जा सकता है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।